देखो वो हमेशा यही कर रहे हैं, जब वो हमारे गांव में वोट मांगने जाएंगे और आखिरी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि आखिरी व्यक्ति तक हम लाभ पहुंचाएंगे, तो इसने इन्होंने जो भूस भरने की जो बात कही है वो आखिरी खड़े हुए व्यक्ति तक का है कि ये किसानों के हम भूस भर देंगे, किसानों को बाहुबली अपने आप को दर्शाया है और किसानों के बाल पकड़ते हुए खींचने की जो बात कर रहे हैं वो देखो मानसिकता बीजेपी की अगर बात करोगे तो यही मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की। और मैं भारतीय जनता पार्टी की अगर मानसिकता की बात करते हैं तो हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं आए दिन से किस भाषा का योग कर बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम ठोंक देंगे, या तो आप बाहर चले जाओ उत्तर प्रदेश से या आप पुलिस आपको ठोंक देगी। तो मैं ये कहता हूँ कि ठोंकने में हमारी बहन बेटियाँ भी बहुत सारी आ गई, इन्होंने ये नहीं समझ पाया कि किसको ठोंकना है, किसके साथ बदतमीजी करनी है। आज उत्तर प्रदेश का ये हाल है कि उत्तर प्रदेश की बेटियों के साथ और उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ, उत्तर प्रदेश के मजदूरों के साथ क्या हो रहा है। लाइफ में जिंदगी में पहली बार विधानसभा लखनऊ के अंदर किसी ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल के और आग लगाई और पुलिस और प्रशासन और वहाँ लोग खड़े देखते रहे। आप एक दो दो तीन महीने पहले की बात है, कई जिलों में ऐसा होता है कि लोग प्रदर्शन करते करते मर जाते हैं। आपने देखा होगा कि भैंस ले गए, भैंस का कर्जा माफ नहीं हुआ, भैंस बांध दी जाके किसी ने रिश्वत में भैंस देने की बात कर दी। तो आपने समय समय पे ऐसी चीज़ें देखते रहे होगे, लोग कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं। हमारे महाराज जी अगर जनता पे ध्यान दें तो जनता बहुत दुखी है। अगर उत्तर प्रदेश में FIR दर्ज नहीं हो रही, उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है, उत्तर प्रदेश में ठोंकने की बात करते हैं, एक बार जनता में आके जनता की बात तो देखें, एक बार कानूनों को तो पढ़ें, एक बार ड्राफ्ट पढ़ लें मुख्यमंत्री जी। सुते अगर किसान का बच्चा बनके और ड्राफ्ट पढ़ के अगर वो न कहने लगे कि ये कानून वापस होनी चाहिए तो मैं मानूंगा। ये एक्चुअली हमारे मुख्यमंत्री जी ने ड्राफ्ट ही नहीं पढ़ा, वो कि इस ड्राफ्ट में है क्या, उनको पढ़ना चाहिए। और हम प्रधानमंत्री जी को भी कहूंगा कि एक बार वो ड्राफ्ट जो आया अडानी अम्बानी के यहाँ से बनके आपको भी पढ़ना चाहिए, कृषि मंत्री जी को भी पढ़ना चाहिए, जो आप वहाँ से जो आया है आप सब कुछ बनके उसी पे आप बोल देते हो कानून है, MSP है, MSP रहेगी। आप कैसे किस भाषा का यूज करते हो? इस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव भी डिक्लेयर होने वाला है, क्या योगी जी को नहीं लगता है कि भाई वोटरों पे क्या असर पड़ेगा? देखो सब कुछ पता है उनको, लेकिन हमारे बाबा जी न जाने किस नशे में कौन उन्हें फीडबैक देता है, कौन उन्हें समझाता है। उनको सब कुछ पता है कि हमें किसान ने और मजदूर ने और गरीब ने जिताया था, और हमें 15 लाख रुपए का लालच था, हमारे बच्चों को लैपटॉप मिलने का लालच था, हमें जो स्मार्ट प्रदेश बनाने का जो सपना दिखाया गया था उसका लालच था, हमारे बच्चों को डबल इंजन की सरकार बन जाएगी तो रोजगार मिल जाएगा, हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, हमें बहुत सपने दिखाए गए थे, हमने भी वोट दे दिए। मैंने कहा भाई डबल इंजन की सरकार आएगी हमारा बहुत कुछ भला कर जाएगी, लेकिन आज स्थिति यह है कि व्यापारी बिजली का बिल नहीं दे पा रहा है क्योंकि बिजली के बिल रेट बढ़ गए और व्यापार चल नहीं रहा है, मजदूर नरेगा में मजदूरी नहीं मिल रही है उसे, कोई जो बच्चों को स्कूल में, आप बताओ मुझे कि स्कूल के अंदर फीस बराबर ली जा रही है, माता पिता को लूटा जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के वोट देने वाले या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं उनके माता पिता, बच्चों के माता पिता स्कूल में फीस नहीं देते? देते हैं भाई साहब, 2 साल होने जा रहे हैं वो फीस स्कूल वाले बड़े माफिया फीस ले रहे हैं, लेकिन बच्चों को ऑनलाइन क्लास के नाम से ठग रहे हैं। किसान भी, जैसी सरकार अपनी योजनाएं समय समय पर लाती है, किसान भी अपनी रणनीति समय समय पर बदलते रहेंगे। और ये आंदोलन का एक दिन दो दिन का नहीं है, जब एक बात बताओ, जब आज़ादी के आंदोलन आप देखोगे तो 150 साल चला था आज़ादी का आंदोलन, आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल गई थी। और लोहिया जी ने जो आंदोलन इंदिरा गांधी जी के खिलाफ चलाया था वो 35 साल के लगभग चला था। ये आंदोलन लंबे चलते हैं और ये सरकार 2024 तक मजबूत किसान ने कर दी है, और ये सरकार इतनी मजबूत है कि 2024 से पहले जब तक इसको एक वोट की चोट नहीं दी जाएगी राज्य बाई राज्य, तब तक ये सरकार मानने वाली नहीं है।
है, क्योंकि ये सरकार किसान ने और मजदूर ने इतनी मजबूत कर दी है कि ये सरकार इतनी नशे में चूर हो गई सत्ता के नशे में कि वो सरकार किसान को तो कुछ समझती नहीं, देश के मजदूर को कुछ नहीं समझती, देश के छोटे उद्योगपति को व्यापारी को कुछ नहीं समझती। तो इस सरकार के लिए लंबी लड़ाई है और लंबी लड़ाई के लिए किसान तैयार है। लेकिन सोनाली फोगाट ने तो इतने गुंडे शब्दों का इस्तेमाल करा है, दारूवाज कहा है, आपको तरह तरह से आपको नवाजा है। देखो वो कहेंगे, आप मुझे एक बात बताओ, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बाबा योगी आदित्यनाथ जी, वो ये बोलते हैं कि ठोंक दो। मुझे आप बताओ, उत्तर प्रदेश के अंदर ठोंक दो नीति वाली जब हमारे मुख्यमंत्री जी जो इतने संवैधानिक पद पर बैठे हैं और जनता उन पर आसार उम्मीद करती थी और उनकी भाषा ये है कि हम ठोंक देंगे, ठोंक दो, तो ये जो जब आप एक मुख्यमंत्री की भाषा और प्रधानमंत्री जी सदन में खड़े होके किसान को आंदोलन जीवी कहते हैं, तो मुझे आप ये बताओ कि ये छोटे जो हैं, जो छोटे उनके सांसद और विधायक और कार्यकर्ता हैं, वो उनकी भाषा ये होनी चाहिए, है क्या कर सकते हैं वो, और तो कुछ कर नहीं सकते। किसान को दे क्या सकते हैं, किसान को यही दे सकते हैं। अगर किसान को कोई कुछ दे सकता है, ये कानून अगर वापसी कोई कर सकता है, तो देश के प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, बाकी किसी की ताकत नहीं है। देश का प्रधानमंत्री जी ने साफ मना कर दिया है, कानून में कोई फेरबदल नहीं होगा। तो कानून में फेरबदल नहीं होगा तो किसान ये अपनी जमीन ऐसे देगा नहीं, एक बात समझ लो, किसान ये अपनी जमीन ऐसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इसकी नस्ल और फसल की लड़ाई है। ये अपनी आने वाली नस्लों को अडानी अंबानी का मजदूर नहीं बनाएगा, अपनी नस्लों, अपनी जो जिंदगी, अपनी औलादें जो हमारी आ रही हैं, या जो शहरों में बच्चे व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी, उनके बच्चों को 50 रुपये दो की दो रोटी मिलने वाली हैं पैकेट में, वो किसान नहीं होने देगा। क्योंकि जब भी लड़ाई, अगर देश में इतिहास निकालोगे, जब भी लड़ाई लड़ी गई तो किसान के बेटे ने लड़ी, किसान से जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने लड़ाई लड़ी। आज जो राजनीति में जो आए लोग हैं वो किसान के बीच में से आए, किसान का दिल जीत के आए। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी ये ना कहते कि मैं चाय वाला हूँ तो जीत जाते, नहीं जीतते। प्रधानमंत्री जी ये ना कहते कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ तो इनकी इतनी सीटें आ जाती, नहीं आती। प्रधानमंत्री जी ये ना कहते कि मेरी माँ ने गाँव में घरों में बर्तन धोए तो प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बन जाते, नहीं बनते। तो मैं ये कहता हूँ कि जितने भी नेता और आई एस पी सी एस बहुत सारे और जो इतनी बड़े औहदे पे पहुँचे हैं, वो गरीब की परिवार से पहुँचे, गरीबों के यहाँ से पहुँचे हैं, लेकिन वो बात अलग है कि समय में जाके बदल जाते हैं। नेता आज भी गरीबों से निकल के जो गए हैं उनका दिल गरीबों के लिए कुछ करने का करता है, लेकिन वो करते भी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये समझा था किसान की देश की जनता ने कि प्रधानमंत्री जी हमारे लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, हमारी गरीबी दूर हटा देंगे, हवाई जहाज में बिठा देंगे हवाई चप्पल वालों को, हमें हाई स्पीड ट्रेन दे देंगे, हमें स्मार्ट सिटी का सपना दिखा देंगे, 2 करोड़ रोजगार में, मतलब हमारा एक बेटा फौज में, आर्मी में, सिविल में, कहीं तो लग जाएगा 2 करोड़ रोजगार में, और हमें 15 लाख नहीं देंगे तो कम से कम हमारी जीवन का जो है एक सुचारू रूप से जिंदगी चलने लगेगी, जो हमारा कर्जे पर कर्जा हम पे होता जा रहा है, कहीं मुझे राहत मिलेगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हमारी जमीन बेच दी, 2 करोड़ रोजगार प्रतिसार लिए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने, सिर्फ किसान को और मजदूर को मजदूर बन के गरीब बन के धोखा दिया है, उस धोखे से किसान परेशान है, और यहाँ तक कि हमारी जमीनें भी दे दी। अब वो जमीनें जब आखिर में हमारी जो कमाने खाने का साधन है, पेट भरने का जो जरिया है, वो भी ख़त्म कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए करो और मरो की लड़ाई है। इसको अगर कानून आप पढ़ोगे, जो आदमी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो आदमी इस ड्राफ्ट के बारे में नहीं जानता, वो एक आंदोलन में आए, और यहाँ जो किताबें बट रही हैं या आंदोलन में लोग समझा रहे हैं, उन्हें समझो। और अगर आप नहीं समझना चाहते हो तो इतना ही आप मत बोलो कि किसान ऐसे ही बैठा है, किसान ऐसे ही नहीं बैठा है। किशनपाल जी, आप समझाने के लिए आपने पूरी दिल्ली घेर रखी है, उसके बाद आप संसद भवन भी, संसद मार्ग। देखो फिर मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि हम संसद मार्ग पर पहुँच गए, दिल्ली घेर रखी है, प्रधानमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ये कानून हमारे लिए ठीक नहीं है। आपने अडानी अम्बानी के लिए क्यों कानून पास किया, अडानी अम्बानी के यहाँ से क्यों ड्राफ्ट बन के आया, ये एक बार आप चर्चा करके सदन में, 4-10 नेता हमारे भी गरीबों के बीच के गए हुए हैं, हो सकता कोई हमारी बात रखता।
होता तो उन चर्चा हो जाती, तब ये कानून पास होती। लेकिन कोरोना काल में आपने कानून पास कर दी, चार छह नेता जो अंदर थे वो अपना शोरगुल मचाते रहे, आपने बाहर फेंकवा दिए, तो दुख होता है।